All the characters, places, events shown in this film are fictitious and imaginary. In case there is any resemblance or semblance of any of the characters of the film with any person living or dead, it would be deemed to be as a matter of chance and the producers shall not be liable for any such act. इस फिल्म के सारे पात्र, जगह और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर इस फिल्म से या पात्र से मिलती जुलती घटना या पात्र जीवित या मृत्यु है तो ये एक संजोग मात्र होगा। इसके लिए निर्माता किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा। Mr. Johnson, I hope you're comfortable here. Yes, Mr. Khan, thank you very much for this evening. And give my regards to Mr. Pacino in Sicily. Yeah. And when you reach home, please tell me a call. Sure, I'll give you all my regards. And give me a call, don't forget, please. Thank you very much, Mr. Khan, nice meeting you. Bye-bye. मेरे बेटे को काम नहीं, काम मेरे माँ, जब तक आप लोगों को काम नहीं करूंगा मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। बस दुआ कीजिए, आप लोग कल सुबह ही मिलेगा मुझे। क्या है बाबा? ओ पकड़ उसको। चलो चलो, खुदा हाफिज। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? शाम को। अच्छा, क्या जेट? बाय 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 बाबा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। दादा नहीं बोलेगा? ए दादा नहीं बोलेगा? अरे बहू, फरीद कहाँ है? पिछवाड़े में। क्या कर रहा है तेरा? जब हाथ चलता तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। बाबा वो शांति करा था मेरे साथ। हाँ, दिमाग ठंडा रखा कर। अच्छा अभी देखना, ये सामान आया मेरे लिए बाहर से। क्या लाया? एकदम नया है। क्या है? अमेरिकन पीस है बाबा। ये किसने दिया? किसने? मुबारक, मेरा दोस्त है, उसने ये तोहफा दिया है। एक बात कहूँ बेटा, ऐसे तोहफे देने वाला दोस्त नहीं होता है। तेरे बाप ने इस मुंबई शहर में 40 साल हुकूमत की है, इन खिलौनों के बल पे नहीं, ये इसके बल पे। ये मजबूत रख। और क्या है ये? ये पेट कितना निकला है? वो अपना बावर्ची है ना, उसका खाना। उसको मार उठा के बाहर फेंक। कितने दिन में निकालेगा सब? एक महीने में। नहीं, एक महीना नहीं, 20 दिन। 20 दिन बहुत होते हैं। 15 दिन। मैं चलता हूँ, मेरे दरबार का वक्त हो रहा है। चल, खुदा हाफिज। जहांगीर खान का बेटा माजिद खान है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे फेंक रहे। देखो। हाँ हेलो। धारावी में एक झोपड़पट्टी है आदर्श नगर, कल सुबह वहां एक भी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मजे भाई। बाबा आपकी कृपा से मेरी माँ के सपने पूरे हुए। एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिल गई है। हम गरीबों के लिए आज के दौर में आप साक्षात भगवान का रूप हैं। इस दुनिया में खुदा भगवान सिर्फ वो है, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। उसने मुझे हैसियत दी है और मैंने उस हैसियत से तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में गरीबों की कमी नहीं है। अगर कभी कोई ऐसे ही गरीब तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुंह मत फिराना। जी खुदा खुदा हाफिज। नमस्ते खान साहब, मजबूर और कमजोर शहरियों के लिए आप ही भगवान हैं। आप जिस जगह कदम रख दें वहां बड़े से बड़े माइक लाल की नजर भी नहीं पड़ती। इस शहर का पत्ता भी हिलता है तो खान साहब जहांगीर खान के नाम पर। इसको कहते हैं झूठी तारीफों के पुल बांधना, खुशामद करना। मुझे वो आदमी पसंद है जो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी पढ़ाई बयान करता है, मगर उस आदमी से नफरत करता हूं जो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी तारीफों की पुल बांधता है। नफरत करता हूं मैं इस आदमी से। माफ करना खान साहब, मैं इस उम्मीद पे आपकी तारीफ करता चला गया कि आप मेरी परेशानी सुने। क्या क्या परेशानी है? पुलिस। हाँ खान साहब, मेरी पत्नी जवान है, मेरे एरिया में पुलिस चौकी है, वहां का सब इंस्पेक्टर बोलता है तेरा धंधा बंद करा दूंगा, तेरा होटल तुड़वा दूंगा। वो चाहता है मेरी बीवी एक बार उसके साथ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बताऊं, खुदकुशी कर लो, आत्महत्या कर लो। जो इंसान अपने घर की इज्जत अपनी बीवी की आबरू नहीं बचा सकता, ऐसे बुजदिल ऐसे नामर्द को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अरे कमजोर इंसान, जब उस इंसानियत के मियार से ग्रेव इंस्पेक्टर ने अपनी ये घिनौनी तमन्ना जाहिर की थी तो चाकू लेकर उसका पेट फाड़ देना चाहिए था और उसके बाद जहांगीर खान के पास आना चाहिए था। तब जहांगीर खान तुम्हारी लड़ता, अपने खून के आखिरी कतरे तक तुम्हारी लड़ता। क्या क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? हरीश भोसले। सेक्शन भीलपाड़ा पुलिस स्टेशन। हेलो मिनिस्टर साहब, मैं जहांगीर खान बोल रहा हूँ। भीलपाड़ा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है हरीश भोसले। हरीश भोसले, उसका वहां से फौरन ट्रांसफर कर दिया जाए। कहाँ है खान बाबा? दरबार चालू है। तूने आज कैसे तकलीफ किया आने की? बेटे इन मजदूरों की कुछ परेशानियां लेकर आई हूँ, उनके दुख दर्द दूर करो बेटे। जरूर माँ, अभी मैं भी आया माँ। कैसा वन, क्यों आए हो? खान साहब, आपके बड़े बेटे ने कहा है कि आज रात आदर्श नगर की सारी बस्ती को साफ। क्यों? पता नहीं, बस उनका फोन आया था और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि यह काम किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। हेलो हेलो हेलो,
शहर में जो बस्तियां गिराई जा रही हैं, हमें कैसे भी खान के बेटे माजद को बचाना ही है। अगर हमने उसे मरने से नहीं बचाया तो खान हमें मार डालेगा। और अखबार वालों से हमें कौन बचाएगा? ओहो, अखबार वालों को हम संभालेंगे। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए इतना सारा पैसा ब्लैक में वही तो देंगे, और उनके गुंडों का सहारा ही तो हमारे काम आता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। कैसे चल रहा है तुम्हारा कारोबार? बस दुआ है आपके, कोई तकलीफ नहीं। मेरा मतलब है, जमीन खाली करवाने में या बिल्डिंग बनाने में कोई परेशानी? फरीद है, आपका नाम जुड़ा है हमारे नाम से, कोई परेशानी नहीं। माजिद बेटे, ये जो मेरे नाम का दबदबा जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, इस नाम को कमाने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है। आपके नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। माजिद बेटे, गलत फहमी है तुम्हारी। ये जो जहांगीर खान है ना, इसके नाम की दो शक्लें हैं। एक तरफ जहांगीर खान का नाम खौफ और दहशत है, तो दूसरी तरफ इसी जहांगीर खान का नाम हक और इंसाफ है। जहांगीर खान ने सारी जिंदगी उन लोगों को हक और इंसाफ दिलाया है जिनको कभी जिंदगी में हक और इंसाफ मिला नहीं। और अगर वो इंसाफ खरीदने जाते तो उनके घर बार बिक जाते, मगर उनको इंसाफ की परछाई तक छूने को नहीं मिलती। जहांगीर खान ने कभी गरीबों के झोपड़ों में बुलडोजर नहीं फिरवाया है, और जिन लोगों ने भी गरीबों को कंकर मिट्टी समझकर अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की, तो जहांगीर खान ने उनके पैरों के नीचे बारूद बिछाकर उनकी बुनियादों को हिला दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है। आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको अच्छा कहते हैं? इसके पहले आपने बहुत कुछ किया है, आपने आज भी कर रहे हैं, वरना मेयर को फोन करवा के आदर्श कॉलोनी के झोपड़े क्यों तोड़वाते आप? तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, क्योंकि जहांगीर खान को गरीबों के हक और इंसाफ के साथ साथ अपने बेटों की इज्जत बहुत प्यारी है। इसीलिए आदर्श नगर के झोपड़े तोड़वाकर मैंने उन्हें दूसरी जगह जमीनें दिलवाई, दूसरी जगह उनके झोपड़े बनवाए, तुम्हारी इज्जत के लिए। इसलिए अंदाज कसम की खबरें मेरे पास नहीं आनी चाहिए। बाबा, ये धंधा है वो मेरा है, मेरा अपना जाती है, अपनी मेहनत से खड़ा किया है मैंने इसे। मुझे अपना काम करने दो, झोपड़े गिराए बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकते। मतलब तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? तुम ठहरो फरी, मुझसे बगावत करोगे तुम? कोई बगावत की बात नहीं, मैं धंधे की बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो जमीन अगर मैं नहीं लूंगा कोई और छीन लेगा, इसे बेहतर है कि मैं कब्जा कर लूं। उसके पैसे भी मिल रहे हैं उनको। और एक बात आपको साफ साफ कह देता हूं, ये दुनिया, इसका अंदाज, इसका निजाम वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। आप वही पुरानी दखियानों से जिंदगी जी रहे हैं। बेहतर यह है कि आप अपने ख्याल बदल डाले, वरना धंधा तो चलता ही रहेगा। खुदा हाफिज भाई। जगो, ए जगो, जगो। क्या पापा, ये चालू नहीं है, ये ऑफिस है पापा। पता है, तू घबरा मत, अच्छी तरह से इंटरव्यू देना, मैंने तेरी नौकरी पक्की कर ली है। सिफारिश की किसको जरूरत है पापा? I don't like this। फिर भी एक बात याद रखना, जवाब ठीक से देना, उल्टे सीधे जवाब नहीं देना। जी हाँ। जाऊं मैं? जी जाऊं। हाँ। ए जगो, क्या है पापा, बोले से पापा। कुछ पैसे हैं? थोड़े से। कितने चाहिए? 20-25। 50। चलो। हाँ। मिस्टर जयकिशन। मिस्टर जयकिशन, एक बात मुझे बॉदर कर रही है। आपकी ग्रेजुएशन तो 4 साल पहले हुई थी ना? फिर भी आपको कोई नौकरी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि इससे पहले सिलेक्शन कमिटी में आप नहीं थे मिस्टर प्रसाद।
वेल यंग मैन, यू आर राइट। हमारे देश में फेवरिज्म बहुत है, फिर भी एक बात सही है कि किसी भी इंटेलिजेंट, जहीन, होनहार और लायक इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। होनहार, इंटेलिजेंट और जहीन लोगों की यहाँ कोई कीमत नहीं है, जब तक उनके खिसे में सिफारिश या पैसे ना हो। तो तुम्हारा मतलब है इस देश में सारे समझदार और पढ़े लिखे लोग बेकार घूमते हैं? सभी नहीं, ज्यादातर। जितने भी इंपॉर्टेंट सीट्स है वो तो बेकार और नाकार लोगों से भरी हुई है। इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको शूट कर देना चाहिए, या तो नजदीक के बिजली खंभे से लटका देना चाहिए। अगर ओलंपिक में करप्शन का मेडल दिया जाए तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, ये सारे मेडल हमारे देश में आएंगे। यू साउंड लाइक एन एक्सट्रीमिस्ट मिस्टर जैकिशन। अगर सच्चाई में आपको बगावत की बू आ रही है तो आई कांट हेल्प इट, आई एम रियली सॉरी। लुक मिस्टर जैकिशन, हमें इस ऑफिस के लिए सीधे साधे क्लर्क की जरूरत है, किसी बागी की नहीं। यू मे गो। थैंक यू। चार पतंग काटा पुणे, जल्दी आना। हाँ हाँ। माँ 25वीं बार, नो जॉब। अरे माँ, अब स्विच बनाना, माँ बनवाना स्विच को। माँ अली, मुन्ना मुन्ना, जरा इलेक्ट्रिशियन को बुला। मुन्ना मुन्ना मैच खेलने गया है, जब तक वो पूरा नहीं होता वो नहीं आएगा। काय के लिए रखा हूँ उसको माँ, मैच खेलने काम करने। अरे तू यहाँ क्या करी, क्लासेस नहीं गई? अरे हाँ, फीस देता हूँ, दो दिन में दूंगा, शो के पैसे आ रहे हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं कि तू क्लासेस पे मत जा यार, तू क्लासेस पे जा, मैं बात कर लूंगा। कुछ तो सोच अपने बारे में, आखिर तू करना क्या चाहता है? वैश माँ, बैंड बजाऊंगा, दोस्तों के साथ गाना वाना गाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। पढ़े लिखे ग्रेजुएट को ये काम शोभा देता है? शोभा नहीं देता तो क्या हुआ माँ, पेट तो भरता है, पैसे तो मिलते हैं। बीच सड़क में स्टेज लगा के रखा है, अबे हटा पीछे, देखो कौन रोकता है मेरे को। अरे हट पीछे, नहीं हटे तो साले अंदर कर दूंगा। हटा इनको, स्टॉप इट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तू कौन है बे? मैं इनमें से एक हूँ। इधर शो नहीं हो सकता। किस लिए? ये म्युनिसिपैलिटी की जगह है, इधर म्युनिसिपैलिटी की परमिशन के बिना स्टेज नहीं लग सकता। 20 साल से हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं और आज जाकर आपको परमिशन की याद आई? अच्छा तो देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी कहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का अंजाम जानते हो? कानून कौन हाथ में ले रहा है? आप जाकर वारंट ले आइए कि हम लोग यहां शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाथ में हाथ लेने का अंजाम भी देख लेना। जग्गू, ए जग्गू, क्या रे? मान गए बिड़ू, ये आज के शो में मेरा नाम डालना है। डालूंगा रे। डालना मेरा नाम आज के शो में। बोला ना? चल। क्या हुआ? भैया मुड़ के मत देखना, वहाँ से बाबा रे, देखना मत वहाँ पे, और शर्ट पहन दो। शर्ट पहन दो। अरे जावेद, जग्गो जावेद, क्या बोल रहा था शो के बारे में? जग्गो जग्गो, आज के इंटरव्यू का भी सत्यानाश कर दिया तूने। जानता है कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके प्रसाद साहब से कहकर तेरी नौकरी का बंदोबस्त किया था, और तूने वही जली कटी बेहुदा बातें करके उनका अपमान कर दिया। हाँ मगर पापा, कहीं मैं तेरी एक बात सुनना नहीं चाहता। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था जग्गो कि तू बीए पास करके गलियों और सड़कों पर नाचता फिरे, सड़कों पर तमाशा करता फिरे। चलो मैं तुझसे बात करूं, जाता है।
छोड़ छोड़ इतना बड़ा हो गया तू ये भी नहीं जानता कि घर चलाने के लिए पैसा लगता है पैसा बातों से घर नहीं चलता पैसे तो कमाता हूं मैं पैसे तो कमाता बात थोड़ी करता हूं सिर्फ ए तू इतना बड़ा नहीं हुआ जो मुझे समझा ले जाको क्या बे अरे वाह रेसो को टाइम हो रहा है तू ऊपर क्या कर रहा है चल ना अरे हट बुड्ढा भड़का रे मैं हाथों शाम को बात करता हूँ हाँ जल्दी आना चले तो है
जरा ठहरो बताओ हेल्थ मिनिस्टर साहब जी हाँ ये जो मेरा बेटा है ना ये आधा पागल है इसके यहां फुतूर है अगर वो ठीक होता तो मैं उसे अपने कारोबार में लगा लेता जाहिल है पढ़ा लिखा जाहिल है वो मैंने उसे पढ़ा लिखा कि आर्किटेक्ट बनाया कि बिल्डिंग बनाया वो गरीबों की झोपड़ियां गिराता फिर रहा है ऐसे लोगों के साथ ज्यादा कारोबार मत कीजिए किसी दिन ले डूबेंगे आपको और ऐसे ले डूबेंगे कि मैं भी आपको फिर बचा नहीं सकूंगा डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल सही है बिल्कुल नॉर्मल है कोई प्रॉब्लम नहीं वहां डॉक्टर साहब सवालात कर रहे थे और हमारे साहबजादे उनको हैं करके मजाक कर रहे थे उनकी बहुत खुश थे डॉक्टर साहब एक बात गौर किए तुमने जब वो मुस्कुराता है कितना खूबसूरत दिखता है ना स्कूल की रिपोर्ट अच्छी है काफी तेज है दूसरे बच्चों से वो जब बोलिंग डालता है तो देखा पूरा ऐसा हाथ घुमा के क्या मैं आपको सही आदत नहीं दे सकी बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही है बिल्कुल नॉर्मल है वो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है कोई खामी नहीं है उसमें क्यों कोसती हो खुद को जितना तेरा है उतना मेरा है वो अरे यार वो काले वाली लेना अरे दोनों लोग सुनो क्या है बे जग्गू ने बोला है तुम लोग खेल शुरू करो वो आता है जग्गू को छोड़ श्री देवी कब आएगी अबे हाइट कम संपत्ति ज्यादा श्री देवी कब आएगी भेजा लगा मुझे तुझे क्यों छोड़ कब है अरे यार श्री देवी को पटाने देना यार पटाने देना प्लीज मैं इसका दीवाना हो गया यार प्लीज हाय हाय कितना हुआ आ गई मेरी श्री देवी आओ हिरवानी माजिद भाई मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझे बिना देखे पहचान कैसे लेते हो यह हमारे वालिद साहब की मेहरबानी है उनका कहना यह है कि दुश्मन को उसके कदमों की छाप सुनकर और दोस्त को उसके बदन की खुशबू सुनकर पहचानना चाहिए अष्ट वहां से ले लो एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने आया हूं पिछले चार महीनों में हमारी कंपनी ने 10,27,00,000 का मुनाफा किया है इसका मतलब समझते हैं आप मेरा पैसा तुम्हारी अकल
और लोगों का खौफ, इन सबको मिलाकर हम चाहे जितनी दौलत की फसल उगा सकते हैं। खुशखबरी तो मैंने सुना दी, अब एक बुरी खबर भी सुनानी है। वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है, कहो। साकी नाका में जो नौ माले की बिल्डिंग बनाई है, वहां कोई पोजीशन लेने आ ही नहीं रहा। क्यों? हमें परमिशन मिलती छह माले की, हमने बना दी नौ। अब छह माले से ऊपर एक बूंद पानी नहीं जाता। हमारी नगर पालिका क्या कर रही है? नगर पालिका क्या करेगी जहां इस देश में ही पानी की कमी हो? तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे यार, तुम लोग ट्यून तो ठीक से बजाओ। अरे वीडू, गलती हो गई। हाँ चलो कमान, अब ठीक से बजाओ। वन टू थ्री फोर। अबे पाइपलाइन पे क्या कर रहा है तुम लोग? हट जरा, चल पाइपलाइन से निकाल, निकाल इधर से। क्या तेरे को है? क्या बात है भाई? पता नहीं क्या तेरे को। चल निकाल वो शाने को, नीचे भेज। अबे शाने, एक लाफा दूंगा अभी ना। क्या साहब, दादागिरी है क्या? फिर से बोल। दादागिरी है क्या आप लोगों की इधर? ए टिकू को बुला, ए टिकू को बुला। राजीव, राजीव टिकू को बुला। ए टिकू को बुला। जरा 10 रुपए लाना। माँ बाने 10 रुपए मंगाए। हाँ, जरा दूध भी ले आना। हाँ ले आता हूँ माँ, ले आता हूँ। यग्गो, ओ यग्गो। आ रहा हूँ पापा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चले 4 रुपए के दे और पानी कम। ये तुम लोग दवाखाने में क्या कर रहे? अस्सलाम, ये क्या नया सदमा? कुछ नहीं कुछ नहीं। आना इधर। ये तुम लोग यही रुको, ज्यादा शांतपति नहीं करने क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बोल? हाँ कुछ नहीं यार, हम लोग वो पाइपलाइन के कट्टे पे बैठे हुए थे तो कुछ टपोरी लोग आए और पाइप काट दिया। तो हमने पूछा क्यों काट रहे, तो नड़ गए। वो अनिल का मुंह फोड़ दिया यार उन्होंने। कहाँ अनिल? वो आदेश के साथ डिस्पेंसरी में बैठा हुआ है। ये माँ को दे दो, बोलो मैं पान खा गया था। कहाँ होंगे वो लोग? अरे आइए सावन सेठ, आइए। एक कप चाय का 4 रुपया? हाँ तो चाय का फोकट में बढ़ती है। चल 4 रुपया निकाल। मियाँ पूरी दुनिया में 2 रुपया मिलती है, तुमको 4 रुपए क्यों चाहिए? अबे क्यों भेजा जा रहा है मेरा? मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। चल फटाफट 4 रुपया निकाल। 4 रुपए तो नहीं देंगे हम। तू तो क्या, तेरा बाप भी देगा। चल पैसा निकाल। यार देखो तमीज से बात करो, दादागिरी नहीं। हमें मालूम है यहाँ सब क्या चलता है। साले रिपोर्ट कर दूंगा तो अंदर हो जाओगे। कौन है बे? ये ले 2 रुपए। कौन अंदर कराने की फूल दे रहा है? सावंत सेठ ये आदमी देखो मेरे को ढोल दे रहा है, बोलता है मेरे को रिपोर्ट कर देगा, मेरे को अंदर करा देगा। अरे छोड़ो सेठ, क्या अंदर कराएगा? तुम फिक्र मत करो, मैं इससे निपटता हूँ। आवाज नहीं निकालना, नहीं तो तेरे गले का पाइपलाइन इधर ही काटूंगा, समझा? चल फूट, फूट इधर से। अरे ये क्या किया तुमने? तेरे मेरे और सबके भले के लिए लिखा है ये, ठीक लिखा है। बॉम्बे इज डाइंग, बॉम्बे मर रहा है। ये मालूम नहीं तेरे आसपास क्या हो रहा है? आता हूँ चल। लीशा स्विच। लीशा? हाँ वही। इसकी क्या प्राइस है? 7.5 रुपए। और एमआर कॉफी देना। एमआर जी बड़ा पैकेट है। ठीक है बड़ा पैकेट दे दीजिए जी। हाँ वही। ये क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। क्यों? ये तो वही जाने, चलो मेरे साथ। मिस्टर जैकिशन इज हियर सर। स्टैंड अवे। यस सर। इंस्पेक्टर राणा, सी मी आफ्टर 20 मिनट्स। ओके सर। नमस्ते सर। बैठिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। किस बात का? कल जिस औरत को आपने गुंडों से बचाया वो मेरी भाभी थी। सर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कल मैंने आपकी भाभी की इज्जत बचाई तो आपने मुझे यहां बुलाया, इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया। अगर यह हादसा किसी और के मां बहन बीवी के साथ होता तो क्या आप मुझे इतनी इज्जत इतना सम्मान देते? देखो तभी मैं भी तुम्हारी तरह एक जज्बाती नौजवान था। कोई भी जुल्म, कोई भी नाइंसाफी, कोई भी बुराई मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन वर्दी पहनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसाफ, कानून, मकसद और सच्चाई, ये सारे शब्द सिर्फ किताबों में सांस लेते हैं और असली जिंदगी में दम तोड़ देते हैं। ये यूनिफॉर्म हमारी एक लिमिटेशन है, कोई लाइसेंस नहीं। इसीलिए मैं जब कभी तुम जैसे सच्चे जज्बाती नौजवानों को देखता हूं तो अपने पास बुलाता हूं। खैर, एनीवे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ यू कैन कम एनी टाइम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं तुमसे कोई ज्यादती नहीं करना चाहती लेकिन तुम हमेशा तो यहां नहीं रह सकती। जानती हूं मदर, नौकरी मिलते ही चली जाऊंगी। तुम्हें नौकरी कब मिलेगी? मैंने नौकरी के लिए तुम्हें कहां कहां नहीं भेजा। जहां जहां मेरी पहचान थी, मेरी सिफारिश थी, वहां सब जगह भेजा। पर पता नहीं इस बिल्डिंग के बाहर कदम रखते ही तुम्हें क्या हो जाता है। तुम बिल्कुल गूंगी हो जाती हो। तुम अपना नाम तक नहीं बता सकती। मैं कह नहीं सकती कि मैं यतीम हूं, लावारिस हूं। कम ऑन मिली, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी जाहिलों जैसी बातें करती हो। तुम दुनिया में अकेली यतीम नहीं हो, लाखों के बीच में अकेली हो जाती हूं। जब पैन खपने लगती लगता है सब मुझे जानते कि मैं यतीम हूं, लावारिस। डर के वापस आ जाती हूं। यहां मुझे कोई कुछ बोलता नहीं ना, खा जाओ। ये मैं नहीं जानती। तुम्हें यहां से जाना होगा। अब यहां तुम्हें एक दिन भी और रखना मेरे पास की बात नहीं है। Yeah.
छोटू, जगू 5 बजे का आने का कह गया था, आता ही होगा। पहले दिन आके गिर गई इधर बस्ती में। You are the right choice, baby. You are the right choice, baby. भाभी, मिला तेरा भाई को। भाभी, अपन तेरा मोहित है। यहाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये हमारे दीदी का घर है, जब तक रहना चाहती है रह लो। दीदी, दीदी अब तक काम कर रही है, बोला था 5 बजे तक ले आऊँ। मिली हमारी दीदी है, इसका दिल सोने का बना हुआ है, बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। ए जग्गो! ए जग्गो! ए लड़की, मिली है ना तेरा नाम, तू बैठ जा चैन से, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। क्या हुआ? अजीब सा लगता है, पहली बार इतना प्यार मिला है ना, इसलिए। अरे यार क्या बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, डेड बॉल। नमस्ते अंकल जी। अनिल के बच्चे को तमाज बदमाश, अरे तेरे घर में माँ बहन नहीं, अरे माँ बहन क्या घर में, अरे बुड्ढा पागल हो गया, अरे बुड्ढा पागल हो गया, क्या बोल रहे हो, समझ जाओ तेरे दोस्त अनिल को मैंने लड़ने को छेड़ दिया, अरे बाबा बाबा प्लीज बाबा जाने दो प्लीज, छोड़ो गाने उसको, ये मेरे फेवरेट छेड़े बाबा, आप क्यों मिलने से बोला, तुम सिगरेट कब से पीने लगे, ये अरे ये मेरे नहीं अनिल की सिगरेट, अनिल छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, देखो देखो बदमाश, बाबा जाने दो, बाबा जाने दो ना, बदमाश है वो, अरे मगर पब्लिक के सामने ऑलवेज बुमबाम करते रहते हो। भैया चाय, भैया बाबा ये तो लेते जाओ, जग्गो ए जग्गो, पेपर आया क्या, छोटी पेपर आया नहीं, आया भैया, अबे ओ जग्गो नहीं आया, पापा पापा कहते हैं, बंद कर तेरी बेसुरी आवाज यार, ओए अरे पीरी देवी मेरी जान, कहां थी इतने टाइम, आपकी चप्पल नहीं है यहाँ पे, नहीं है नहीं है, चली गई,
शायद भैया ने पहनी होगी। सुना, चप्पल पहन के गए मेरी, क्या कहा है? अच्छा, यहाँ का पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, 7 से 9 बजे तक आता है। वो देखो सामने रहा। ए जग्गू, जग्गू, मेरी चप्पल पहन के क्या गया तू? ए जग्गू, आया आया भाई, खाना लेकर आया। तू मेरी चप्पल पहन के गया क्या? ए जग्गू, आया। इतना चिल्ला रहे हैं, सब सुन रहे हैं। दूसरे पहनो, उसकी चप्पल होगी ना। आप भी कमाल करते हैं, बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। चलो मैं आगे निकलती हूँ, आप आइए। तीखा ना चाचा? अजी फर्स्ट क्लास, खाइएगा तो मजा आ जाएगा आपको। ये चिकन की आइटम बहुत मस्त है। पुराने दिन याद आते हैं, एक बाल के तो पूरे बाल पक गए बनाते बनाते। तुम्हारी उंगली करने की आदत गई। काहे की? काहे को पंगा लिया बाबा से। तुम्हारे दिमाग में यह अटक गया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा होता है क्या? नहीं, बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए हमको बचपन से दूर रखा। अरे मैं तो बहुत अच्छा है दूर रखा। हम दोनों में एक तो है जो पढ़ा लिखा निकला, पढ़ा तुम भी निकलते मेरी तरह, तोड़ डालेगा फट डालेगा। इसलिए नहीं, उसकी वजह कोई और है। अब कहते हैं हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो। इनको नहीं मालूम इनके नाम की वजह से हमने कितना भुगता है। स्कूल में हमारे कोई नजदीक नहीं आया क्योंकि हम जहांगीर खान के बेटे हैं। कॉलेज में किसी ने दोस्ती नहीं की क्योंकि हम जहांगीर खान के बेटे हैं। तुमको देखते हैं तो इतनी खुशी है चेहरे पे, हमको देखने के बाद हैवान बन जाते हैं। अब कहते हैं हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो, हम अपना धंधा अपने हिसाब से। सीरियसली बता, चिकन खाने आया या मेरा भेजा खाने आया? क्या आइटम है तू यार। अब भाई इस एरिया में ज्यादा रुकने का नहीं है, चलो निकल लेते हैं। तू बेड में आता हूं। चलो लड़की क्या, उसको मिल गया, आना बंद कर दिया उसने यार। अच्छा तू मार रहा है यार। हाय, कैसी हो? बस ठीक हूँ। देखो सुबह से भैया ये अखबार लेकर बैठे, जिन जिन कंपनियों में नौकरी मिलने का चांस है ना, वहाँ पे निशान लगा कर दिया है। ये देखो, भैया ने मुझे सब कुछ बता तो दिया है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड 85 है और आप शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी तरह जानती है। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आपको बोलने में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन डिक्टेशन के टाइम पे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं होती। ये भैया, हेलो भैया। हाँ बराबर बराबर। हाँ, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डर लगता है। इतना सोचती क्यों है? रिलैक्स। कम ऑन, कम। डर लगता है। इसमें घबराने की क्या बात है? इंटरव्यू तो देना है, नौकरी आज नहीं तो कल मिलेगी। हाँ? जा? जग्गू, तू भी चलना। इंटरव्यू मेरा नहीं है, मैं आके क्या बोलूंगा? काम के लिए तो तुम्हें बुलाया ना। ऐसा कर, ये रख। ऑल द बेस्ट, अब नौकरी मिलेगी देख। ओके, जा जा ना। नाम पूछो तुम बता सकती नहीं, काम का पूछो तो तुम बोलती नहीं, टाइपिंग स्पीड कितने जानती हो वो बताती नहीं हो। अरे कुछ तो हाँ या ना बोल मेरी माँ। अरे क्या मुसीबत गले पड़ गई है, तुम इडियट हो। ये लो, get up and get out, काम करो अपना, चलो रजिस्टर खोलो। ये हट, ये काम नहीं करते, लड़की की तरफ घूर रहे हैं। मुश्किल में है काम किसी का, समझो इस राज को। मुश्किल में है काम किसी का, समझो इस राज को। लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। मुश्किल में है काम किसी का, समझो इस राज को। लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। मुश्किल में है काम किसी का। जीने का नशा रहे तो क्या
मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है कौन किसी का। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोई एग्जाम, कोई इम्तिहान, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लूंगा। काम का वक्त बर्बाद होता है। और फिर कोई आदमी काम करने लायक है या नहीं, ये तो काम करने के बाद ही पता चलता है, नहीं? दूसरा सवाल पैसा, वो एड तो तुमने पढ़ ली होगी ना? देखिए मैं आपको 700 रुपए माहवार दूंगा। नहीं देखिए, यू डिजर्व मोर, लेकिन हमारा ये अखबार न्यूज टुडे इससे ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बड़ी बुरी हालत में चल रहा है। आगे चलेगा या दम घुटकर बंद हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अब ऐसी जगह पर आपको नौकरी करनी है या नहीं, आपकी मर्जी। नौकरी करनी है, वेरी गुड। तो चलिए काम शुरू करते हैं। काम मतलब आज से? बिल्कुल। और देखो, तुम जो ये बात करते हुए हकलाती हो, तुम्हारी जबान लड़खड़ाती है, इसकी परवाह मत करना, क्योंकि हमारा ये अखबार ऐसे ही लोगों की आवाज है जो जिंदगी में लड़खड़ाए हुए हैं, कुचले हुए हैं, दबाए गए हैं, उनके हक उनसे छीन लिए गए हैं। और फिर जब जमाना लड़खड़ाना बंद कर देगा तो तुम्हारी जबान भी लड़खड़ाना बंद हो जाएगी। एक बात और, टाइप तुम्हें हाथ से करना है, मुंह से नहीं। जगू मेरे को नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा आदमी है। उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, बस पेपर देखता गया। 700 रुपया महीने देगा। मजनू ने लैला के लिए किया था,
रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सोसाइट सोसाइट को जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा। हक जाओ भैया, जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। क्या आदमी है पजामा? अबे क्या नाटक कर रहा है? ये मत पूछ जग्गू, तेरी आंखों में आंसू आएंगे। अबे क्या हुआ? ये जो श्रीदेवी है ना, इसके साथ मेरा लगन होने वाला था, लेकिन तेरे चमचो ने बीच में भांडी मार दी। भगवान मैं आ रहा हूँ। अरे मान जाना। अरे बाबा मान गई ना। मंजूर है तुम लोग को? अरे तुम उठाना उठाओ ना। अरे ले भाई ले, रेडी है। कनक संबंधां कनकाभरणैरुदां दास्यामि विष्णुवेतुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वं भरः सर्वभूता साक्षिण सर्वदेवता। हिरवानी, पॉलिटिक्स इज अ लीगल माफिया। व्हाई यू आर लाफिंग? इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स नॉट अ जोक। यू नो व्हाट आई वाज टेलिंग यू बिफोर, इन आवर कंट्री क्या? वहां देखो जाके, वो नीचे कितना एरिया है वो? किसका? वहां नीचे जाके देखो। जा। हेलो माजिद भाई, इस बस्ती का एरिया इतना है कि इस तरह की 100 बिल्डिंगें वहां बन सकती हैं, लेकिन इस बस्ती को खाली करवाना इतना आसान नहीं। अपने ऑपोजिशन ने बहुत ट्राई किया, फिरोज, गणपत, कालिया, सबके छक्के छूट गए। क्यों, ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि इस बस्ती के आदमी आपस में बहुत मिले हुए हैं, खतरनाक हैं, जिद्दी हैं। यहाँ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई सबको धुलाई करके भगा दिया गया। इस बस्ती के लीडर का नाम है जग्गू, और जग्गू इतना जिद्दी है कि ना वो झुकता है और ना ही टूटता है। माजिद भाई, क्यों ऐसी फालतू बस्ती में हार डालकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालने का? बोल जाओ इसे। स्कॉच एक ऐसी चीज है जिसे जितना पीजिए कम है। सुनो, एक्सक्यूज मी, यहाँ नीचे बस्ती में जग्गू नाम का कोई लड़का रहता है जी, उसे मुझे मिलने को बोलो। जी माजिद, साइड पे आके मिलने को बोलो उसे। हाँ फिर। माजिद भाई, अगर तुम वो बस्ती खाली करा दो तो उस जमीन पर सारी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए पूरा रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ। भूल जाओ हिरवानी। लेकिन माजिद भाई, कहाना भूल जाओ, एक बार फिर से सोच लो। Thank you.
हेलो माजिद खान। नमस्कार। जय किशन। नाइस एंटीक पीस। मुझे भी पुरानी चीजों का शौक है। क्या काम है? जय किशन, कल मैंने तुम्हारी बस्ती देखी तो बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, इन खूबसूरत बिल्डिंगों के बीच में सड़ी हुई बस्ती। बंबई क्लीन होनी चाहिए, इन टूटी फूटी चालियों के जगह में तुम्हें अच्छे मकान बनवा के दे सकता हूं, जहां पानी होगा, बिजली होगी, आराम होगा। बस्ती के लोग तुम्हें मानते हैं, जगह खाली करवा दो। जगह बेचने की नहीं है। माजिद भाई मुझे जरा जल्दी पहुंच। नहीं कोई बात, प्लीज। मेरा दोस्त है जयशी साहब। नमस्ते मिनिस्टर साहब। वो एक दिन तुमने एक को पेट्रोमैक्स फेंक के मारा था, याद है? यहां सब जल गया था। वही आदमी शाम को आएगा, उसे बता देना। मत भेजना। बता देना उसे। जगो रुक जा, रुक जा। क्या हुआ? देख अंदर माजिद खान के आदमी लोग आए हुए हैं और वहां जाना खतरा है। ऐसे कर, तू मिली को अपने घर ले जा, मैं पटा के आता हूं। और अपने लड़के लोग भी हैं वहां। फिकर मत कर। आइए आइए। सीरियस है, शायद दूसरा अस्पताल ले जाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। कहाँ रहता है वो? आशा कॉलोनी लोखंड वाले के पीछे।
जहांगीर खान को 40 साल हो गए शहर में और बड़े से बड़े तुरम खान की हिम्मत नहीं हुई कि उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, और तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे तो माशा कालीनी के झोपड़े तोड़वाओगे। देखो बाबा, उस दिन मैंने आपको साफ साफ लफ्जों में कह दिया था, जमीनें हासिल करना, बिल्डिंगें बनवाना मेरा कारोबार है, और ये कारोबार मैं सिर्फ इसलिए नहीं बंद करूंगा कि आज आप गरीबों के अन्नदाता बनकर, उनकी सल्तनत के सुल्तान बनकर उनकी हिफाजत करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। मैं जमीन हासिल करके रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं माजिद, अपनी नाजुक हरकतों से बाज आओ, गरीबों के झोपड़े पे बुलडोजर मत फेराओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। मैं भी आपका आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे कारोबार में रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए। झोपड़े टूटेंगे, जरूर टूटेंगे, ये मेरा भी आखिरी फैसला है। चल क्या है माँ, मिले आई मिली माँ, तू पापा से मिला? So you have passed out my child, huh? आप ही का जिक्र हो रहा था, 100 साल उम्र है, अच्छा धंधा बना रखा है घर पे आके लूटने का। So what are your terms? सुनिए वो, मैं बात कर रहा हूँ, कर लूंगा बोला था ना, करने दो। अजी कुछ तो बोलिए कि बोलने का भी पैसा लेंगी। इसलिए तो बोला था माँ मिला ने। माँ मिली, सुखी रहे सुखी रहे। मिली मेरी बहन सीमा, सीमा मिली किसी हाँ? पानी ले, देख क्या रही, जाना छोटी पानी ले ना, जाना। मिली माय डैड, सुखी रहो। आगे और देख पीछे, उतरा है चांद नीचे। चल आगे और देख पीछे, उतरा है चांद नीचे। डांडिये की रात है, ओ डांडिये की रात है, साथियों का साथ है। चल आगे और देख पीछे, उतरा
नहीं, फरीद भाई ने बोला है कि गाड़ी में सामान लोड। नहीं नहीं नहीं, फरीद को भेजो मेरे पास। ए बोलो उसको मैंने बुलाया है, भेजो फिर। क्या फरीद, क्या है सब ये? उस खबीज की औलाद जगुन है। सियासी, क्या हुआ? बाबा उस खबीज की औलाद जगुन है अपने सावंत को मार मार के अधमरा कर दिया है। मैं उसको उसकी आशा कॉलोनी को जलाकर राख कर दूंगा। एक मिनट, जग्गू आशा कॉलोनी में रहता जी है? बाबा अच्छा, जा चल। सुन, तू कुछ नहीं करना। बाबा कैसी बात कर रहे हैं, बदला लिए बगैर खामोश रहेंगे ना सारा शहर पर हंसेगा। कोई नहीं हंसेगा, कोई हंस सकता है? बोल जाओ, जग्गू को मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा उसको। मेरा हुक्म है, अपने बाबा का हुक्म मानता है ना, नाराज नहीं करेगा ना अपने बाबा को। बना दिवाख लूं। जा, जा। सुन, पुलिस कमिश्नर को फोन लगा दे जरा। जा। कल मुझे जहांगीर खान का फोन आया था। कुछ दिनों पहले तुम्हारा उसके लोगों के साथ कोई झगड़ा हुआ था ना, वो तुमसे एक बार मिलकर उस झगड़े को खत्म करना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ कोई दोस्ती डेवलप करो, पर एक बार जाकर उससे मिल लो। और अगर तुम उससे नहीं मिले तो तुम्हारी जान को खतरा है, समझे? तुम्हारी बस्ती को खतरा है। मैं जानता हूं कि मैं पुलिस कमिश्नर हूं और मुझे ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए, प्लीज एक बार उससे जाकर के मिल लो मेरी खातिर। एक बार का इनकार बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। खुशामदीद, खुशामदीद। आओ बेटा, आओ आओ आओ, आओ बैठो 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 बैठो, आओ बैठो। जी नहीं मैम। अरे बैठो बाबा, तकलीफ मत करो, बैठो बैठो। हाँ बाबा, क्या पियोगे? जी मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मैं आपसे कुछ। ऐसे कैसे, मेहमान तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता। ये खैर का लेट शरबत राबड़ा, पिस्ता बादाम राबड़ा, चाबा की राबड़ा। मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बोलो क्या बात। देखिए खान साहब, ये आपका बड़ा बेटा मेरी बस्ती खाली करवाना चाहता है, वहां पर बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है। आपका छोटा बेटा फरीद मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, मेरा खून करना चाहता है, हमारी बस्ती को जला देना चाहता है। मैं तो नहीं चाहता ना, मैं तो शहर में अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। शांति? हाँ। कैसे शांति? आपके गुंडे हमारी बस्ती में आकर दंगा फसाद करे वो आपके जबान में शांति है? हमारी माँ बहनों को छेड़े वो शांति है? आकर ये धमकी दें कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, अगर आप चाहें तो हमारी सारी बस्ती को एक चुटकी में साफ कर दे, ये आपके लिए शांति है? नहीं नहीं हा? नहीं, देखो अगर आज के बाद कोई आकर तुमसे ये कहे कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई अगर तुम्हारी बस्ती में आकर किसी की माँ बहन बेटी को छेड़े, तो तुमको फसाद झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ जहांगीर खान, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैं किसी की मदद नहीं चाहता हूं जहांगीर साहब, ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है, ना मुझे किसी और की मदद की जरूरत है। मैं कोई गुनेगार नहीं हूं, मैं किसी का खाता नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह बस्ती हमारे परदादाओं की है और यहां से हम किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। एक बात और, अगर आपने या आपके बेटों ने किसी गुंडों को भेजकर हमारे यहां दंगा फसाद करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मिस्टर जहांगीर खान। जहांगीर खान, तू मेरा नाम लेता है, 40 साल में आज तक इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जहांगीर खान का नाम ले, और तू, तू जहांगीर खान का नाम और जहांगीर खान का नाम लेता है। निकल और निकल, स्पेस हो या निकल, निकल, निकल। बहुत हो गया जहांगीर खान, बहुत इज्जत हो गई, हाथ में लगाना। फरीद को भेजो। सेना प्रीतम्मा, देव मुझे बयाद लड़ी जमात सो बाबा। फरीद तुम्हें काम करो, अभी और इसी वक्त सीधा आशा कॉलोनी में जाओ, वहां उस बस्ती वालों के सामने बस्ती के अंदर जग्गू को इतना मारो कि वो जिंदा रहे, मगर मरते दम तक अपाहिज बनकर रहे।
उसने जहांगीर खान के घर में आकर उसकी बेइज्जती की है, तुम बस्ती में जाकर बस्ती वालों के सामने अपने हाथों से मार मार के सर से पैर तक उसकी एक एक हड्डी तोड़कर रख देना, मगर मगर अकेले मारना उसको। अकेले? अकेले उसने तुम्हारे बाप की बेइज्जती की है, तुम्हारे घर पर आकर तुम उसके घर पर जाकर उसको मारना, मगर अकेले मारना, इज्जत का सवाल है। तू खेल यार, मैं दम मारता हूं। हां आजा। जगू कहाँ रहता है? वहां रहता है, वो घर पे नहीं है, वो सामने खेल रहा है। ए, चल बे, बढ़ जा, चल बे। क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं माँ। वो जग्गू कहाँ है? भैया, भैया तो नीचे खेल रहे हैं ना माँ। Russia.
शहर के मुखिया जिगर खान के बेटे फरीद की हत्या कर दी गई। इस हादसे की वजह से सारे शहर में शोर शराबा मच गया। कई जगह पर दंगे फसाद हुए और जान माल को काफी नुकसान पहुंचा। आज शहर में बंद की वजह से चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। बम्बई शहर की सड़कों पर इक्का दुक्की गाड़ी या पैदल लोग नजर आते हैं। रेल सेवा और बस सेवा भी प्रभावित हुई है और कामकाज एकदम ठप पड़ा हुआ है। साहब, जहांगीर खान और उसके बेटों के कारनामों से पुलिस, इस शहर के लोग, अखबार सब वाकिफ है। आज तक इन लोगों के खिलाफ जिसने भी जबान खोलने की कोशिश की, उस शख्स का दूसरे दिन इस शहर में पता नहीं चला। जहांगीर खान का छोटा बेटा जो इस घटना में मारा गया, वो मर्डर पावर और एक्सटॉर्शन में बदनाम था। सुपारी लेना, दूसरों को दिन दहाड़े घर से उठाकर ले जाना और उनका काम तमाम कर देना, यह उसका पेशा था। जहांगीर खान अपने बेटों से भी बहुत आगे है। स्ट्राइक्स करवाना, इलेक्शन में वोटों की हेरा फेरी करना, मिनिस्टरों से लाइसेंस दिलवाना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल है। इस शहर के आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स उसने खरीद के रखे हैं। एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है वो, और इसी गलत फहमी का शिकार होकर जग्गू को जान से मारने के लिए उसके बस्ती में गया। दोनों की हाथापाई हो गई। जग्गू ने जो कुछ किया वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और इसी दौरान फरीद मारा गया। कश साहब, मेरा क्लाइंट निर्दोष है, बेगुनाह है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आज इस मुकदमे की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जहांगीर खान कौन है, वो क्या क्या करता रहा, उसके बेटों ने क्या किया है। आज इस अदालत में मुकदमा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि फरीद खान मारा गया और इस आदमी के हाथों मारा गया। ये जग्गू इंतहाई बददिमाग, गुस्से वाला और बात बात पे हाथ पांव चलाने वाला आदमी है। मेरे पास इसके खिलाफ 50 रिपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ चंद पेश करूंगा। इसने म्यूनिसिपैलिटी के कानून तोड़े हैं। बिना इजाजत सड़कों पर मंडप लगा के इसने गाने के शोज किए हैं, और जब म्यूनिसिपैलिटी और पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जग्गू और उसके आवारा दोस्तों ने पुलिस वालों का रास्ता रोका और उन पर हमला किया। यह रही उसकी रिपोर्ट। अपनी ही बस्ती में सावंत नामी एक आदमी को जग्गू ने इतना मारा, इस बेचारे को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट, और ये रहे वहां मौजूद लोगों के बयान। योर ऑनर, ऐसे इंसान को हमारे समाज में आजाद छोड़ना हमारे समाज का खून करने के बराबर है। द कोर्ट इज एडजर्न। फरीद बाबा की मौत ने जहांगीर को खत्म कर दिया बिल्कुल। क्यों माजिद, आपका बेटा नहीं, उसकी तो दोनों तरफ से मौत है। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ बाप के आंसू। माजिद आपका बेटा नहीं, सलामत रखे मेरे बेटों को। ना, रोना नहीं बाबा, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। फरीद अभी जिंदा है, आज के बाद माजिद मर गया समझो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिरह से कि मुलजिम जयकिशन जहनी मरीज है,
और उस पर आए दिन पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से यह आए दिन पागलों और वैश्यों जैसी हरकतें करने लगता है। और इसी पागलपन के दौरे में मुलजिम ने फरीद खान वल जहांगीर खान का कत्ल कर दिया। लिहाजा अदालत उसे जहनी बीमार और पागल करार देते हुए उसे पागल खाने में दाखिल करने की हिदायत करती है, और जब तक उसका पागलपन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे वहीं रखे जाने का हुक्म देती है। समझने की कोशिश कीजिए। देख, रोज बातें आप रोज ना करते थे, एक बार मिलने दीजिए प्लीज। सॉरी, आप नहीं जा सकती। सिर्फ एक बार प्लीज। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वो मेरा सब कुछ, मुझे सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी प्लीज। आपको एक बार बोला ना, आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती हो? डॉक्टर, अभी क्या भी निकल कर हाईवे पर सेंटर के बाहर 8 बजे मिलना। क्या बात है? सवाल मत करो। लेकिन मजीद भाई, जग्गू पागल नहीं है? है, पागल है। बहुत भरोसा है उसे अपने आप। पागल है, नहीं है तो बना दो उसे पागल। उसकी अकड़ होशियारी को खत्म कर दो, वेजिटेबल बनाओ उसे। मोम 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 बनाओ, वो होता है ना रबड़ का पुतला, बनाओ उसे। भाई मेरा डोंट वरी, मैं हूं, डोंट वरी। जो कहा है वो करो बस। मेरे भाई को उसने, जस्ट डू इट, किसी भी कीमत पर करो बस। अब पागल है, पागल है, क्या करेंगे, पागल है। नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकते। मैं उससे मिल नहीं सकता? बोला ना नहीं मिल सकते। अरे मैं उसका बाबू हूं, मेरा बेटा है भाई, मैं उससे मिल नहीं सकता? नहीं मिल सकते। जग्गू, जग्गू, जग्गू।
यूसी मजीद साहब, रफ्तार रफ्तार टॉर्चर करने का यही एक तरीका है। इससे इंसान जिस्मानी और दिमागी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपाहिज बन जाता। किसी जमाने में रोम के बादशाह अपने कैदियों को पिंजरे में बंद करके ऐसे जानवरों की तरह सता सता कर अपाहिज बना देते थे। इसे तुम रिकॉर्ड कर लो, इसके कैसेट मुझे दे देना। गुनहगार है वो कानून जो ऐसे लोगों को इंसाफ की कुर्सी पर बिठाता है, जो न्याय को नीलाम करते हैं, और सबसे बड़ी गुनहगार है इस देश की जनता जो जुल्म और अत्याचार सहती रहती है मगर उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाती। 80 करोड़ की आबादी वाली जनता मुश्किल से कुछ लाख गुंडों से दबी पड़ी है। उठो, अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपनी तादाद को देखो, अपनी गिनती को देखो, और मुट्ठी भर गुंडों को देखो जो तुम्हारी आवाज और तुम्हारी इज्जत को अपने पांव तले कुचल रहे हैं। जागृत हो जाओ, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। Okay. जहांगीर खान को शहर में 40 साल हो गए, इस 40 साल में आज तक किसी अखबार की सुर्खी में एक तरफ, किसी कोरे में भी जहांगीर खान का नाम अच्छे में बुरे में आज तक नहीं आया। इसीलिए हजारों लोग आए और चले गए, मगर जहांगीर खान अपनी इज्जत के मकाम पर आज तक बरकरार है। मुझे नहीं पता था कि उम्र किस मकाम पर दुखों के साथ, बलात् के गम के साथ बदनामी का यह दाग भी मेरे दामन पर लगेगा। ये पहली और आखिरी बार है बाबा, आज के बाद किसी भी अखबार में आपके खिलाफ एक हरफ भी नहीं छपेगा। ये पहली और आखिरी बार। तुम साला दो खड़ी का हाथ बीच क्या 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 बात है? अखबार छापेगा तुम? निकालो इधर से। माजिद भाई, वो परवेज हुसैन का भरपेट धुलाई किया है, आज के बाद वो कलम को हाथ भी नहीं लगाएगा। हाथ नहीं लगाएगा मतलब जिंदा या मर गया? भाई मरा तो नहीं, जिंदा है। मैंने तुझे किस लिए भेजा था? भाई मैंने सोचा कि जो बात मार से बन सकती है उसके लिए मर्डर करने का क्या जरूरत है? उसे ढूंढो, ले आओ अभी के अभी। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है, खत्म करो उसे। अच्छा भाई अभी लो। सावंत और उसके गुंडे हमारे घर की तरफ आ रहे हैं बाबा, हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। जल्दी से भाग जाओ। अरे वहाँ से नहीं, पिछले दरवाजे से। लेकिन आप लोग को लेकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। जाओ ना प्लीज। चलो प्लीज चलो। अरे अरे पुलिस को बुलाओ। क्या चाहिए आपको? परवेज हुसैन। भाई यहां कोई परवेज हुसैन नहीं है। Ah!
बता। मैं तेरे से आखिरी बात पूछता हूँ, परवेज हुसैन कहाँ है बता। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम। बस्ती वालों तुम सब भी देख लो, माजिद खान और उसके आदमियों से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर चरणजीत सिंह, हम पिछले 15 मिनट से आपके पास बैठे हैं और हमने आपसे कहा है कि बहुत जरूरी है, वो जाने माने गुंडे हैं। कमाल है आप सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए आप जानते हैं मैं काम कर रहा हूँ। देखिए इट्स एन इमरजेंसी, आपको आपको ये सब झेलना पड़ेगा। फिर देखिए आप मुझ पर उंगली मत उठाइए, ये पुलिस स्टेशन है। उंगली नहीं उठा रहे लेकिन हम कंप्लेंट लिखवाने आए हैं आपके पास। मैं आपको बोल चुका हूँ कई बार, ये काम खत्म करके ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, अगर आप ये सब करते रहेंगे तो किसी की जान चली जाएगी। माजी चलिए अंदर। परवेज हुसैन को पकड़ के लाओ, खामखा उसके बाप को मारा उसे। क्यों मेरे लिए परेशानी बढ़ा रहे हो? यस सर। मिस्टर सानी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? आशा कॉलोनी में दिन दहाड़े एक आदमी को फांसी दे दी गई और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर आप बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो चाहता था इसे रोकना लेकिन मुझे ऊपर से वार्निंग मिली और मुझे खुद रोक दिया गया। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस। जी सर। मिस्टर साहनी, इस मामले की तहकीकात करने के लिए मैं एक इंक्वायरी बैठा रहा हूँ। मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा सर। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل الله وعد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هلا सोच रही हूँ, 40 साल पहले जहांगीर जब इस शहर में आया तो एक गरीब भूखा मजदूर था। एक मजदूर के हक के लिए उसने अपने सेठ का खून किया था और फिर उसी खून की धारा में बहता चला। इस बुढ़िया ने उसे बहुत मना किया, बहुत रोका लेकिन वो ना रुका। तूने कभी ये सोचा है इस राह पर चलते चलते तूने क्या पाया? तेरी बीवी कैंसर से तड़प तड़प कर मर गई, तेरी औलाद तेरी ही राह पर चल पड़ी, तेरा जवान बेटा फरीद जिसके सर पर सहरा बंधा था उसके शरीर पर तूने कफन बांध दिया। से जग्गू ने नहीं, जहांगीर तूने तूने उसे मारा है। अब भी वक्त है बेटा, तेरा दूसरा बेटा बहुत गलत काम कर रहा है, उसने हाहाकार मचा रखा है, गरीबों का जीना हराम कर दिया है उसने, उसके आदमियों ने
जग्गू के बाप को पेड़ पर लटका कर मार दिया। अभी संभल जा बेटा, रुक जा, अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। इस बाप ने अपने बेटे को गंवाया और उस बेटे ने अपने बाप को गंवाया। अब रुक जा बेटा, तौबा कर बेटा, तौबा कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। चल चलो आईने से लड़ते हैं। ये देखो कौन है हमारा शहजादा। हाँ नहीं, उसे नहीं मारते, लग जाएगी देखो उसे। संभालो हेलो माजिद साहब, चक्कू के केस में इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई है। इंक्वायरी कमीशन? जी हाँ माजिद साहब, आप और हम दोनों फंस सकते हैं। उसके ऐसी हालत बना दो कि वो बयान दे ना सके, और पुलिस में रिपोर्ट कर दो कि वो अस्पताल से भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा थे? खत्म कर दो इस किस्से को, बोल जाओ ये सब। क्यों? जगो के किस्से को खत्म करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? ये सब मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये भूल रहे हैं कि उसने आपके बेटे का, मेरे भाई का कत्ल किया। मैं नहीं भूल रहा हूँ, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। उसकी लाश अब तक मेरे सीने के कब्र में दफन है, कुछ नहीं भूला हूं मैं। अगर जगू ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, तुमने उसके बाप का खून किया है, मेरी इजाजत के बगैर किससे पूछा किया तुमने? इसलिए जहांगीर के भाई खाते में बदले का हिसाब किताब सब खत्म हो गया। आपके लिए खत्म हुआ, मेरे लिए नहीं। अपने बड़प्पन के लिए आपने उसको अकेला भेजा था वहां, मैं इस बात को नहीं भूल सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अखलफ फलाद, सिर्फ एक कदम गलत उठाता रहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। फरीद मेरा छोटा भाई था। देखिए मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन उस आदमी पर जरूरत से ज्यादा टॉर्चर किया गया। उसकी जगह कोई और आदमी होता तो इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुमको कहा उसको चलती फिरती लाश बना दो, बना दो, बना दो बस। लेकिन इससे ज्यादा आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, यू जस्ट डू इट, डोंट रेज योर वॉइस, क्वाइट क्वाइट। कैसे भी करो और टॉर्चर करो, शॉक दे दो, मेडिकली जो कर सकते वो करो। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, फरीद मेरा छोटा भाई था। इस आदमी की वजह से ये मेरी जरूरत है डॉक्टर, प्लीज प्लीज डू इट। अनवर, आज जग्गू की जिंदगी खतरे में, बचा लो उसे। सब कहते हैं कि मेरे बेटे फरीद का कातिल जग्गू है। अगर इस दुनिया में मेरे बेटे का कोई कातिल है तो मैं हूं। उस दिन अगर मैं अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर काबू रखता, न उसे जग्गू के घर भेजता और न मेरे बेटे की जिंदगी पर मौत की मोहर लगती। एक गलत फैसला किया मैंने, अपने बेटे को गंवा बैठा। बेटा आज जहांगीर खान के उसूल, उसकी इज्जत। जा बेटा बचा ले उसको, नसर मेरे लाए फतनों करीब। शाबाश, जा बेटा जा।
अनवर, 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 नहीं, नहीं बेटा, अनवर, अनवर, अनवर स्पेस सोया माजिद कहाँ है? माजिद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मत बता तू। मैं खुद तलाश करूंगा उसको। हट जा वो। हट जा। मेरे सर पे खून सवार है। हट जा तू। हट जाऊंगी बाबा। हट। हट जा वो। मैं कुछ नहीं तू हट जा। देख। दे दे जा खुदा का वासा हट जा सामने से। हट जाऊंगी बाबा। लेकिन पहले मेरी जिंदगी का फैसला कर। हट जाऊंगी बाबा। बाबा आपने तो मुझे इस बहू को अपनी बेटी की तरह चाहा है, लेकिन इस बहू को इस घर से क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मालूम। अपने शोर का मुझे बाबा खुदा ने एक औलाद दी, औलाद का सुख मिला। जिंदगी में सिर्फ खुशी के सारे जीते आई हो बाबा, कि मेरे शोर का साया मेरे सर पे, उसका आंचल मेरे सर पे, उसे मत छीनिए मुझसे बाबा। आज एक बेटी अपने बाबा से भीख मांगी। मैं नहीं दे सकता भीख। उसके दाम और उसके पति की जिंदगी से भर दीजिए। मैं नहीं दे सकता भीख। मत मनाइए बाबा। अपने पोते को यतीम मत कीजिए बाबा। बाबा। की स्कैन रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मुझे कोई भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट नजर नहीं आ रहा। इट्स मोर साइकोलॉजिकल। आपका मतलब है? नहीं नहीं, ठीक हो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है
लगता है वो लोग इन्हें मारना भी नहीं चाहते थे और जिंदा भी नहीं रखना चाहते। इनकी रिएक्ट करने की ताकत को ही दबा दिया गया है। ही इज लाइक अ वेजिटेबल, एक जिंदा लाश। अगर पुरानी कुछ बातें याद आ जाएं, तो शायद ठीक हो जाएं। आपने कहा था ये बहुत गर्म मिजाज के थे, वायलेंट थे। जिस वायलेंस को आप दबाना चाहती थी, दबाइए मत उसे। अब आपको उल्टा करना होगा, इनके वायलेंस को जगाना होगा। कोई भी पुरानी बात याद दिलाइए। हाँ, वो आपने बताया था इनके पिताजी को किस तरह मारा गया था, उसे बड़ा चला के बताइए। कुछ भी छुपाइए मत। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इट्स अ चैलेंज। किसी का समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को। Thank you.
वो जग्गू ठीक हो गया क्या? हाँ, मेडिसिन के इतिहास में पहली बार हुआ। It's not possible. I know it's not possible. You don't know, sir. मैंने इतने हाई वोल्टेज के शॉक्स उसको दिए, इतने शॉक्स किसी पत्थर को दिए होते तो उसके भी टुकड़े हो जाते। उसकी ज़बान खुली तो हम सबकी दर्जी उड़ा देगा, बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा, मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सबसे ज्यादा तो जो मैंने बैंक से 50 करोड़ का लोन पास करवाया है, सबसे सिग्नेचर करवाई है, हम सब फंस जाएंगे। माजिद भाई, मुझे इस बदनामी से बचा लो, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। अरे आप बदनामी से कब से डरने लगे? कुछ नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? हेलो, क्या बात है? जय किशन ठीक हो गया? फिकर की क्या बात है? जो मेरा होगा वो आप सब लोगों का होगा, और मैं तो अपना बुरा होने नहीं दूंगा। कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स, ये मरवा देगा हमें। Yes, भेलपाड़ा पुलिस स्टेशन। Mr. Singh, आप आशा कॉलोनी से वाकिफ हैं? Yes, sir. Good. मुझे अभी अभी खबर मिली है कि कुछ लोग वहां के रहने वालों को डरा धमका कर उस बस्ती को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। Mr. Singh, now please note it very carefully. I want you to ensure the complete safety of the colony. उस बस्ती पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। Okay. और अभी इसी वक्त आप वहां आर्म पेट्रोल पोस्ट कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir, मैं खुद भी चला जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मामा, तू बस्ती वालों से उनके घर खाली कर। पांडू, तू गाड़ी में से बम निकाल, बस्ती में लगाना चालू कर। तब तक मैं ये बाजू संभालता हूँ। हाँ, जल्दी। मिस्टर साहब से बात कर सकता हूं? बोल रहा हूं। सर, अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था। नहीं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि आशा कॉलोनी पे कुछ लोग अटैक करने वाले हैं। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत? सर, उन्होंने मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम उनसे कह देना ये मेरे ऑर्डर से, तुम वहां नहीं जा रहे हो। Thank you.
रोते बिलखते हुए खरमचों को देख। बोल, मैंने तो क्या करने के लिए बोला था। मेरे कहने के बावजूद भी वहां तुमने पुलिस पेट्रोल नहीं भेजी। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। व्हाट? यस सर। I'm sorry. I'm extremely sorry, Jagat. आप मेरी जगह होते तो क्या करते? पर क्या तुम माजिद खान और जागीर खान से लड़ सकते हो? मैं अकेला चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन माजिद और जहांगीर मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या है यह सिस्टम, और मैं सारे करप्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ देना चाहता हूं। उखाड़ देने चक्कू? क्या मैं इस इस्तीफे की वजह जान सकता हूं? मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि हमें इस पावर को देने के बाद भी हमें बार बार रोकना और हमारे हर काम के बीच में बाधा बनना, आखिर सबका मतलब क्या है? सर, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि अगर इस पोजीशन पर रहकर मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं, तो इस पोजीशन पर रहने का मेरा कोई हक नहीं। ये मेरा रेजिग्नेशन है सर, इसे एक्सेप्ट कीजिए।
हेलो। इस शहर की जितनी बस्तियां झोपड़ियां तोड़कर जो तूने अपनी इमारतें बनाई थी उसकी टूटने की आवाज तो तेरे कानों तक पहुंची गई होगी। अगर तू मुझे मिलना चाहता है तो मैं तेरे बाप लोगों के घर पे जा रहा हूं जिसके दम पर तू इस शहर में दादागिरी करता है। मेरे बिना जी सकोगी तू? के लिए जागरूक होना है, एक होना है, क्योंकि हक जब मांगने से ना मिले तो उसे हाथ बढ़ाकर छीन लिया जाता है। मैं आज इनको ये बता देना चाहता हूं कि हमने, इस जनता ने जिसने उनको एक दिन कुर्सी पर बिठाया था, अगर वो पगला गई तो ना इनकी कुर्सी बचेगी, ना नेतागिरी और ना ये खुद। एक नौजवान ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, हम सबको उसका साथ देना होगा। पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी, पुलिस अपना काम कर रही है। सब बैठ जाइए। अरे वो चार को छोड़ के सबको बाहर कर। चलिए बाहर चलिए आप लोग, चलिए। किसकी हिफाजत की बात कर रहे हो तुम? हम जनता की कि तुम और तुम्हारे गुंडों की?
इस शहर में रहने तक की जगह नहीं, और जब छोटी छोटी खोलियां भी मिलती है तो तुम और तुम्हारे दोस्तों से तोड़वा देते हो, छोटे छोटे बच्चों को रास्ते में बिखेर देते हो ताकि तुम्हारे दोस्तों की इमारत खड़ी हो जाए। जब पुलिस हमारी मदद करने की कोशिश करती है तो तुम उनके हाथ तोड़ देते हो। तुम जैसे लोगों को इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। बात बंद कर, बंद। कोई शिकायत है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। ये प्रजातंत्र है, लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी? काहे की डेमोक्रेसी? इस देश का हेड मिनिस्टर होकर ये अंग्रेजी पानी पीते हो और बाहर लोगों को, जनता को गटर का पानी पिलाते हो, उनका हेल्थ खराब करके तो हेल्थ मिनिस्टर बन बैठे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। गुंडा पैदा करने वाले तुम, गुंडा पालने वाले तुम, गुंडों के सरदार तुम। मिस्टर जहांगीर खान बहुत दादागिरी की तूने, इनके छत्र छाए में, इन भ्रष्ट नेताओं के छाए में रहकर बहुत दादागिरी की तूने। अब मेरी दादागिरी देख तू। इस जहरीले करप पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। ये बच्चे जिस इनकलाब की शुरुआत करके गए हैं उसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा।